हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम राधा रानी जी की 10, 9, 10 और 11 नंबर की राधा जी की ये वूलन ड्रेस बनाने जा रहे हैं। देखिए अब मैंने ये आपके चोली पहले ही बना रखी है, ये मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड है, आप उसे देख लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, इससे आगे हमें क्या करना है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ताकि मैं इन दो कलर से बनाने वाली हूँ। ये देखिए अब हम ये वाली यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, इस हुक में हम क्रोशे को डालेंगे, इसको ऐसे लेंगे और हम ऐसे निकाल के इसमें चैन बना देंगे, फिर हम दो चैन और बनाएंगे, एक और ये दो। अब हमें इसी हुक में दोबारा डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए ये हो गया दो। ये हर हुक नेक्स्ट हुक में फिर दो बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में दो बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में दो बार डबल क्रोशिया। ऐसे करते हुए हम ये पूरी लाइन करेंगे, ताकि हमें घेर नीचे बढ़ाना है, तो इस वजह से हम हर चैन में दो बार डबल क्रोशिया करेंगे एक ही चैन में। चलिए अब मैं पहले इसको पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ हमें क्या करना है। ये देखिए हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई है, हर चैन में मैंने दो दो बना लिए हैं, इससे थोड़ा हमारा घेरा बढ़ गया है। अब देखिए हमें अगली लाइन में क्या करना है, एक चैन दो चैन, फिर इसी चैन में दो बार डबल क्रोशिया। अब देखिए आगे करेंगे, नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया, मतलब तीन हमें सिंगल क्रोशिए के बाद चौथी में हमें दो बार डबल क्रोशिया करना है चौथी में। ये देखिए फिर सिंगल क्रोशिया एक बार, दो बार सिंगल क्रोशिया, तीन बार सिंगल क्रोशिया और ये चार बार, इसी में हमें चौथी में डबल क्रोशिया करना है। अब हमें इसी तरह ये तीन चैन के सिंगल के बाद चौथी में डबल क्रोशिया दो बार करना है। चलिए हम ये लाइन पूरी कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। चलिए देखिए हमारी दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है, अब हम तीसरी को सेम इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए कैसे बनाई थी हमने, वो पहले दो चैन, फर्स्ट में टू और वन टू थ्री, फोर्थ में डबल क्रोशिया दो बार इसी में, जैसे हमने वो पहले वाली कंप्लीट करी थी ऐसे इसको करना है, एक दो और ये तीन, चौथी में डबल क्रोशिया एक ही चैन में। चलिए हम पहले इस तरह पीस को पूरा कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ हमें क्या करना है। ये चलिए देखिए अब हमारी ये तीन लाइंस कंप्लीट हो गई है इस तरह से, अब हम आगे देखिए क्या करना है। दो चैन्स बनाएंगे हम, और फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, 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 ऐसे ही हम सारे में। अब कोई ना हम घटाएंगे ना हम बढ़ाएंगे, ऐसे ही सब में एक एक हर चैन में हम
सिंगल क्रोश डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, ऐसे हमें तीन लाइनें कंप्लीट कर लेनी है और जिसमें हमें एक भी नहीं बढ़ाना है। चलिए हम पहले तीन लाइंस बना लेते हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ हमें क्या करेंगे। चलिए देखिए अब ये तीन लाइन और पूरी हो गई है, अभी हमारी छः लाइन कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हम इसको यहाँ पर, अभी हम इसको यहाँ पर ऐसे करके बंद कर देंगे, इसे हम काट देते हैं ताकि हमें दूसरा कलर लगाना है इस वजह से। ये देखिए अब हमारा दूसरा कलर लगाएंगे हम, इससे हम इसको हम ऐसे करके ये देखिए इसको हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे, फिर दो चैन, फिर हम इसको नेक्स्ट चैन में करेंगे एक, फिर नेक्स्ट चैन में, फिर नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया, 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 ऐसे करके हम पूरी इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमें क्या करना है। चलिए देखिए अभी हमारी लाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, अब हम इसको यहाँ पे बंद कर लेते हैं, एक चैन बना के इसको हम यहाँ पे ऐसे टाइट करके हुक को कट कर देंगे। अब हमें नेक्स्ट वाइट वाला लगाना है, इसको हम यहीं पर एडजस्ट कर लेते हैं बाहर की तरह। ये देखिए इसको यहाँ पे हुई एक चैन, दो चैन और इसी में एक बार डबल चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चैन में, फर्स्ट वाली में। चलिए अब देखते हैं हम आगे क्या करना है। हमें यहीं पे डबल क्रोशिया नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, 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 फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। इसी तरह करते हुए हमें ये पूरी लाइन यहीं पर एक कंप्लीट कर लेनी है। चलिए पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ हमें क्या करना है। चलिए देखिए अभी मेरी कंप्लीट हो गई है, मैं इसको यहीं पर ऐसे बंद कर रही हूँ। फिर हमें नेक्स्ट कलर लगाना है। चलिए तो मैं नेक्स्ट कलर लगा रही हूँ। इसको हम ऐसे निकालेंगे, फिर वही दो चैन, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, 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 ऐसे करके हमें पूरी लाइंस कर लेनी है। ऐसे हमें दो लाइंस बना लेनी है ग्रीन कलर से ही, सल मल्टी वाले ग्रीन कलर से। तो चलिए मैं इसको पहले पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि हमें क्या करना है। चलिए देखिए अभी मेरी कंप्लीट हो गई है, अब मैं इसको यहाँ पर बंद कर देती हूँ, इसको अब काट देते हैं। चलो अब आगे देखते हैं हमें क्या करना है। इसको हम थोड़ा टाइट कर देते हैं इस तरह से। अब चलिए हम आगे
क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक नॉट लगाएंगे, इसमें अपने हुक को डाल के चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात बनाएंगे, फिर हम और दो एक्स्ट्रा बनाएंगे, एक आठ और एक नौ। अब हम यहाँ पे तीसरे हुक में इसको डालेंगे और इसको डबल क्रोशिया करेंगे, फिर हम तीसरे हुक नेक्स्ट हुक में डालेंगे, फिर डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट हुक में डालेंगे, फिर डबल क्रोशिया। ऐसे हम इसे करते हुए इस लाइन को मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ। देखिए आप कैसे कंप्लीट करते हैं, ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, ये कुछ इस तरह कंप्लीट हो गई। अब हम इसको यहाँ पर ऐसे पलटेंगे और इसको हम एक बारी और बनाएंगे, एक और ये दो, फिर हमें नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया। ऐसे ही करते हुए हम ये वाली लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, इसको हम डबल क्रोशिया करते हुए ये हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारी कंप्लीट, ये यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसको मैं पहले एक बार ठीक करती हूँ फिर आपको दिखा। चलिए देख लिए जी, मैंने ये इस तरह से कुछ तैयार कर लिया है, इस पर एक मोती लगा के। अब इसको हम यहाँ पर ऐसे टच करेंगे, ये देखिए हम इसको यहाँ पर ऐसे, इसको हम यहाँ पर ऐसे ही टच कर देंगे। ये देखिए सुई से की मदद से जो कि ये, अब हम इसे पीछे से बंद कर देंगे। चलिए अब मैं आपको बता दूं क्या करना है हमें। ये मैंने कुछ इस तरह की चैन बना ली है, आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए जैसे भी आपको इसमें डालनी है। अब ये देखिए हमें क्या करना है, यहाँ हुक में ऐसे डालेंगे और इसको हम निकाल लेंगे, फिर हम एक छोड़कर हुक में डालेंगे, फिर निकाल लेंगे, फिर हम यहाँ पे दो चैन छोड़ेंगे तो फिर हम निकाल लेंगे, फिर हम एक में डालेंगे, फिर हम डाल देंगे। अब चलिए मैं इस तरह पहले डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। चलिए देखिए हमारी कुछ इस तरह ये बन के तैयार हो गई है। अब देखिए, अब मेरी वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। चलिए देखिए, ताकि ये डोरी इसलिए ताकि हम पीछे बांध सके। आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ बताइए कैसी लगी।